दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपको अपना चैनल टेक्निकल अर्बल में। तो अभी जो आप देख रहे हैं इस बीम में, आपको दिखेगा इतना सारा सरिया एक बीम में पड़ रहा है। वजह क्या है अब मैं आपको बता रहा हूँ। इसका जो स्पैन है, जैसे कि इसका जो लेंथ है वो काफ़ी लॉन्ग पड़ रहा है, मतलब कि 32 फुट के करीब इसका स्पैन पड़ रहा है, लेंथ पड़ रहा है। उसमें इसके नीचे में लगभग में ये सारा जो सरिया आपको दिख रहा है ये 25 mm डाया का सरिया है, और इसमें आपको 9 सरिया पड़ना है। मीन्स कि 3 बॉटम बार, 3 फेस जो है वो टॉप बार होगा, और बाकी का जो बचेगा वो साइड रिइंफोर्समेंट के तौर पे इसमें भी डाला जाएगा टोटल बार। तो नंबर ऑफ बार की बात करते हैं तो टोटल 25 mm का जो सरिया है वो 900 पड़ना है इसमें। अब मैं आपको इसका ड्राइंग दिखवाता हूँ, ठीक है। अब ड्राइंग में मैं आपको लेकर चलता हूँ कि ड्राइंग में कैसे इसको मेंशन किया गया है। तो अब अगर आप ड्राइंग पे एक बार नज़र डालें तो यहाँ आपको जो है साफ सिंपल शब्दों में दिख रहा है ये। तो टॉप में जो आपको दिख रहा है वो 325 का सरिया जो है वो थ्रू आउट ऊपर में जो दिख रहा है देखिए, और ये जो बॉटम में भी 325 का सरिया थ्रू आउट है। उसके बाद 325 जो इसमें है एक्स्ट्रा डाला गया है बॉटम में, और फिर तीन जो 12 का सरिया है वो एक्स्ट्रा है इच फेस, मतलब कि दोनों फेस में इसमें 12 का सरिया भी प्रोवाइड करना है। 25 का तो करना ही है, प्लस में 12 का फेस मतलब साइड रिइंफोर्समेंट भी इसमें प्रोवाइड करना है। तो अगर आप गौर से इस वीडियो को देखें तो आपको ये दिख रहा है कि सारा सरिया जो है 25 mm का, इतना हैवी ये बीम है, और जो डेप्थ इसका है इस बीम का वो लगभग, मैं आपको इस बीम का जो डेप्थ है वो दिखाएगा इसमें कितना, 350 × 900 mm का, मतलब कि 3 फुट डेप्थ का ये बीम आपको नज़र आ रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में बताई गई जानकारी से आपको काफ़ी समझ में आया होगा कि इतना अगर लॉन्गर स्पेन है तो इतना हैवी रिइंफोर्समेंट देकर इसे बनाया गया है, और डेप्थ भी इसका 900 mm किया गया है। तो वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर इसी तरह से कंस्ट्रक्शन या फिर सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड हमेशा वीडियो चाहिए तो आप हमारी चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय। खुश रहिए, खुशहाल रहिए, सीखिए और दूसरों को सिखाते रहिए।